फरवरी 2022 में एक जियो मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म यानी एक सौर तूफान ने अंतरिक्ष में एलोन मस्क के स्टारलिंग प्रोजेक्ट के 40 सैटेलाइट्स को बर्बाद कर दिया। आप सोचेंगे कि तूफान तो धरती पर आता है, तो अंतरिक्ष में जहाँ हवा पानी ही नहीं है वहाँ आखिर तूफान कैसे आ सकता है। लेकिन इस तूफान में और धरती के तूफान में कुछ अंतर होता है। अंतरिक्ष में आने वाले ये तूफान अदृश्य होते हैं और ये सूर्य की सतह पर पैदा होते हैं। दरअसल धरती की ही तरह सूर्य की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और कई बार सूर्य की सतह से उठने वाले प्लाज्मा के कारण ये ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज गति से धरती की और बाकी सभी प्लैनेट्स की ओर बढ़ती है। अब मैग्नेटिक फील्ड को आंखों से देखा ये शरीर पर महसूस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका असर व्यापक होता है और खासकर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर ये काफ़ी बहुत बुरा असर डालता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हुई तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो जाते हैं। जब ये सोलर स्टॉर्म पैदा होते हैं तो धरती पर रहने वाले लोगों को अधिकतर समय कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि धरती की अपनी मैग्नेटिक फील्ड उन 100 तूफानों से धरती की रक्षा करती है। लेकिन वहीं अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहे हैं वो धरती की इस सुरक्षा से बाहर होते हैं और उन पर इन 100 तूफानों का बुरा असर होता है। अभी फरवरी 2022 में एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने स्टारलिंग प्रोजेक्ट के तहत अंतरिक्ष में 49 नए सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में छोड़े थे। स्टारलिंग प्रोजेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा इंटरनेट सुविधा देने के लिए एलोन मस्क का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो 49 नए उपग्रह छोड़े गए थे वो सभी छोड़ने के अगले दिन ही एक सोलर स्टॉर्म की चपेट में आ गए और उनमें से 40 सैटेलाइट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बर्बाद हो गए, जिससे वो अपनी कक्षा छोड़कर धरती की ओर गिर गए और वातावरण के घर्षण के कारण जलकर खाक हो गए। इस वजह से स्टारलिंग प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बाकी सैटेलाइट के भविष्य की चिंताएं बढ़ गई हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर एक साथ कई सैटेलाइट का बर्बाद हो जाना बिल्कुल नए तरह की घटना है जिसके बारे में पहले नहीं सुना है। इसके पीछे की वजह पता करने के लिए वैज्ञानिक तो जुटे हुए हैं, लेकिन सूर्य से निकलने वाले सौर तूफान एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं।